अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जो हमने एडवेंचर स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। और मैंने शुरू किया था आपको विज़िट करवाना चक निज़ाम, एक गांव है वहाँ पर। रिवर जेलम के ऊपर एक ब्रिज तामीर किया गया था जो कि 1887 में तामीर हुआ। उसका नाम था क्वीन विक्टोरिया ब्रिज। वो दौर चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था तो उसकी मुनासबत से उस टाइम की जो मलका थी उनके नाम पर ये पुल तामीर किया गया। सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी। उसकी वजह ये है कि हमारा मकसद सिर्फ एडवेंचर करना नहीं बल्कि ये भी सीखना है कि हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में कितना पता है और हमारी मालूमात कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी द सिन सेजर कंपनी को क्वीन विक्टोरिया ब्रिज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इसका मेन टारगेट यही था कि जो रेलवे ट्रैक है उसको आगे बढ़ाया जाए और ये पिंडा खान तक ये रेलवे जाए। इस पुल को तामीर करने के लिए उस टाइम के बेहतरीन इंजीनियर्स को हायर किया गया। सबसे पहले थे जेम्स रैमसे जो कि एग्जेक्टिव इंजीनियर थे और जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, यानी चक निज़ाम पुल वाले प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। उसके बाद उनको कोऑर्डिनेट जो इंजीनियर कर रहे थे उनका नाम था फ्रेडरिक रॉबर्ट अपकॉट और ये इंचार्ज इंजीनियर भी थे उस प्रोजेक्ट के। इसके अलावा बहुत सारे सब इंजीनियर्स और बाकी वर्कर्स जो जाहिर है उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड थे वो सारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। ये प्रोजेक्ट 1886 में स्टार्ट हुआ और अर्ली 1887 में कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, जब मैंने इस ब्रिज को जाकर विजिट किया और मैंने देखा कि एक सदी से भी ऊपर कई साल गुजर चुके हैं, इस ब्रिज की क्वालिटी, इसकी ग्रेस, इसकी टेक्निक इंतहाई यूनिक है। जब आप इस जगह पर जाते हैं तो आप एक शहर में खो जाते हैं। वो शहर आपको कम से कम एक सदी पीछे ले जाता है और आप सोचते हैं कि कैसे उस वक्त के लोग अपने काम से मोहब्बत करते थे और प्रोजेक्ट में अपनी पूरी नीयत, अपनी जान डालते थे ताकि अच्छी और बेहतर चीज़ सामने आए। उसका रिजल्ट आप लोग देखें कि उस टाइम के जो इंजीनियर्स थे उनके किए हुए काम एक सदी से भी ऊपर गुजर गया और अभी तक भी वो काबिले इस्तेमाल हैं। अभी भी उसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है। आप मेरी वीडियो में भी देखेंगे, आप इस एडवेंचर को एंजॉय भी करेंगे। मेरी इस पूरे एडवेंचर का मकसद ये था कि आपको ऐसी जगहों की सैर कराई जाए जो कि आपने पहले नहीं देखी हैं और उसके साथ साथ हमें मालूम होना चाहिए हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना क्या है, हमें आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्वीन विक्टोरिया ब्रिज जो 1887 में बना था उसके बाद क्यों कोई हमारी मुल्क में कोई नया ब्रिज, कोई नया रेलवे ट्रैक नहीं बन सका और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक इस जैसा रेलवे ट्रैक शाहिदी बाद में किसी ने बनाया या इनसे मिलते जुलते और रेलवे ब्रिजेस जो कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के रिवर्स के ऊपर बनाए गए हैं और ये सारे अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए हैं। मेरे साथ रहिएगा और इस तरह मेरी वीडियो वॉच करते रहिए। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इनको आगे शेयर करें ताकि एक और नए एडवेंचर के साथ मैं आपके साथ सामने हाजिर हूँ, आपको मालूमात भी दूँ और आपको उस एडवेंचर के साथ साथ लेकर चलूं और आप इंजॉय भी करें। बहुत शुक्रिया, हमेशा मेरे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।